दोस्तों, ये आज मेरा ड्यूटी का दूसरा दिन है। बारिश बहुत हो रही है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। ये मेरा पहला ब्लॉग है और डेली ओहो, ये देखिए कितना बरसात, ये देखिए ओहो। आपको गाड़ी में पता नहीं चल रहा होगा, कार में, पर बाहर आप देखेंगे तो बहुत तेज हवा भी चल रही है और बारिश भी हो रही है। ओहो, ये देखिए टेम्पा गाड़ी है, जा रही है, ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए काफ़ी स्कूल के बच्चे हैं। ये देखिए, हम भी जब स्कूल में थे तो ऐसे ही हम लोग भी बाइक बारिश में जाते थे स्कूल, और बहुत मज़ा आता था। जब से जॉब लगा है तब से हम स्कूल के दिन, कॉलेज के दिन भूल चुके हैं। ओहो ओहो, ये देखिए, ये छोटा बच्चा है, ये देखिए काफ़ी अच्छा है। ये देखिए बच्चे लोग, स्कूल का टाइमिंग हो चुका है। ये आगे देखें, हमारे गवर्नमेंट के बच्चे। और सबसे चीज़ यहाँ पे देसी चिकन आपको बहुत पसंद आने वाला है, और आए कभी भी तो ये ज़रूर आए। आप दूसरी जगह के चिकन खाते हो, पर यहाँ का आप चिकन खाकर देखिएगा, देसी स्टाइल चिकन। और सेलवास की एक चीज़ फेमस है, चटनी, देसी चटनी। आप कोई भी इधर होटल में बोलेंगे कि भाई देसी चटनी बना के दो मुझे, तो लोग बना देते हैं। आप उसको एक बार टेस्ट जरूर करिएगा। ये जो पूल आप देख रहे हैं, ये स्पेशली स्कूल के बच्चों के लिए बना है, ताकि ट्रैफिक की वजह से उनको कोई दिक्कत ना हो, बच्चों को या जैसे कि एक्सीडेंट ऐसा ना हो, तो इसलिए ये ऊपर से उनके लिए बना गया है, ताकि उनको क्रॉसिंग और इधर से उधर जा रहे हैं कोई दिक्कत ना हो बच्चों को। बहुत ही अच्छा है कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, बहुत ध्यान रखी है स्कूलिंग बच्चों को। मैं तो मानता हूँ हर एक जगह ये कर देना चाहिए, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। क्योंकि यहाँ पे पेंटिंग देख सकते हैं आप स्कूल की, और पेंटिंग से ख्याल आ गया होगा कि क्या दर्शाता है वो फूल। ये साइड मांग रहे हैं भाई साहब, इनको दे देते हैं साइड, फिर आगे निकलेंगे। ये लैंडमार्क एरिया है यहाँ पे, मतलब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सी जो बिल्डिंग है, इसमें हर एक चीज़ का आपको दुकान मिलेगा, ट्यूशन क्लासेस, लैंड का, सैमसंग, बहुत हर एक चीज़ की यहाँ पे, हर एक चीज़ का यहाँ पे मार्केट है। तो सेलवास में आए तो खोपर खड़ा चार रस्ता जरूर विजिट करें। और ये अभी गवर्नमेंट ने नया पुल बनाया है, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा पुल है। और मुझे स्पेशली ये पुल की वजह से ट्रैफिक बहुत राहत मिला ट्रैफिक में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, ये पुल की जो आजू बाजू जो लाइटनिंग है ना, ये देखिए कितना अच्छा बना और सुंदर बना देता है पुल को। आगे आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। और यहाँ से मेरा ऑफिस 4 से 5 किलोमीटर होगा, लेकिन आपको बताऊंगा मैं। अब आ चुके हैं हम यहाँ पे, पुल से उतर चुके हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा मुझे, और थोड़ा से बारिश की वजह से है, इंडस्ट्रियल एरिया है तो ट्रैफिक चलती है, हैवी लोडेड, ऑब्वियस की बात है कि थोड़ा सा ठंडा तो होगा ही, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ता है। पर इसलिए रोड का काम चल रहा है अभी, बालाजी वेफर जो आप लोग आए ही होंगे, बहुत ही टेस्टी वेफर होता है इस कंपनी का, मैं तो बहुत खाता हूँ, जब भी देखता हूँ कंपनी में, बालाजी कंपनी के सामने से भी जो चिप्स होते हैं मैंने किलो के भाव से उठाया है। आप भी जा सकते हैं, वलसाड़ में ही है इसका, वलसाड़ से थोड़ा सा आगे हाईवे पर ही है बालाजी कंपनी का, वो भी आपको बहुत सस्ते में वेफर मिल जाते हैं, सस्ते में चिप्स आपको मिलेंगे, और बहुत सस्ते में मिलते हैं, तो एक बार विजिट जरूर करिएगा। फिर से ट्रैफिक में फंस चुके हैं, ट्रैफिक आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैं तो बोलूँगा, मुझे नहीं लगता कि कोई होगा जिसको बारिश नहीं पसंद है, दोस्तों बारिश सबको पसंद होगी, और बारिश का ही एक मौसम है जहाँ पे, जिस मौसम में बहुत मज़ा आता है, गरम गरम पकौड़े, गरम गरम चाय, कुछ नई क्रिएटिविटी सोचना समझने का मन करता है और करने का मन करता है।
तो ये बहुत ही अच्छा मौसम होता है हमें, हमारे लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारे माइंड फ्रेश होने के लिए बहुत अच्छा मौसम है। और होप आप बारिश इंजॉय करेंगे आप लोग भी। तो मैं अपने ऑफिस पहुँचने ही वाला हूँ, तो आज का वीडियो मैं यहीं से ही समाप्त करूँगा और फिर आपको मिलता हूँ कल नए वीडियो के साथ, नई चीज़ों के साथ। और लाइक सब्सक्राइब करेगा चैनल को, ताकि मेरा नया नया वीडियो, मेरी नई नई जो चीज़ें हैं आपको मैं लाइफ, डेली लाइफ को लाइफ में बताऊंगा, आप तक पहुंचे प्रैक्टिकली, आप इन चीज़ों को समझें। सो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।